रोहन, रोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम तुम लगभग एक महीने से ज्यादा हो गया स्कूल भी नहीं आ रहे हो, सब ठीक है ना? मैम क्यों, क्या हुआ रोहन? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। मैम 2 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो गई। मैम आपको तो पता है इस दुनिया में मेरा उनके सिवा कोई नहीं था, और अब मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं बचे, तो प्रिंसिपल सर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्या? हाँ मैम, सर ने कहा कि अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं 1 महीने से स्कूल भी नहीं आ रहा और मुझे ये काम करना पड़ रहा। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब मैम क्या ही बताता, आपको तो पता है इस दुनिया में मेरा पापा के सिवा और कोई नहीं था, और अब जब वो भी चले गए तो एक अनाथ की बात कौन ही सुनता। चलिए मैम अब मैं चलता हूँ। सर, आपने रोहन को स्कूल आने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि मैडम जो बच्चा फीस ही पे नहीं कर सकता, स्कूल क्या करेगा उसे पढ़ा करके। लेकिन सर आप उसकी सिचुएशन तो जानते ही हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मैडम हमें मदद? सर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो फीस नहीं दे सकता है, और वो एक बहुत ही होनहार बच्चा है सर। प्रिया मैडम स्कूल चला रहा हूँ मैं, यहाँ पे एनजीओ या फिर अनाथालय नहीं खोल रखा मैंने कि बच्चों को उनकी सिचुएशन देखकर फ्री में पढ़ाता फिरूंगा। लेकिन सर मैडम देखिए, स्कूल में इतने सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, कैसे कोऑपरेट करेगा वो स्कूल के साथ? पेरेंट्स नहीं है उस बच्चे के, फीस कैसे पे करेगा वो? बट सर मैडम देखिए, इट्स 11:30, आप जाकर के अपनी क्लास अटेंड कीजिए, ये अनाथ बच्चे के चक्कर में पड़ करके आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं बस, प्लीज प्लीज। अरे रोहन तुम स्कूल आ गए, लगता है तुम्हारी फीस भर दी गई। हाँ जी मैम, कल ही मुझे स्कूल से फोन आया और मुझे पता लगा मेरी सारी फीस जमा हो गई है। पता नहीं किस भले इंसान ने मेरी सारी फीस जमा कर दी, मुझे उसे थैंक यू बोलना है मैम। अच्छा अच्छा, थैंक यू बाद में बोलना, क्लास का टाइम हो रहा है ना, जल्दी जाओ। और हाँ मन लगा कर पढ़ना। यस मैम। सर अगर ऐसी बात है तो उसकी फीस मैं दूंगी, और सिर्फ आज ही नहीं, जब तक वो स्कूल में पढ़ेगा उसकी फीस आप मेरी सैलरी से कट कर सकते हैं। Are you sure, Priya ma'am? जी सर, और सिर्फ यही नहीं, आज से उसकी जितनी भी एक्टिविटीज या मीटिंग्स होंगी उसे एज गार्जियन मैं अटेंड करूँ। ऑलराइट, अगर आप फीस पे करने को तैयार हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जाइए आप पढ़ा लीजिए बच्चे को। थैंक यू सर।